इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जैसे जैसे हम किसी जिस्म को ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट हरकत देते हैं तो जिस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जो MgH के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस में भी स्टोर की जा सकती है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कशिश करता है। अगर हम नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हरकत दें तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो इस चार्ज सिस्टम में स्टोर हुई उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक चार्ज क्यू है एक पॉइंट ए पर, और उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में यू ए है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करें और उस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हरकत दें तो चार्ज की एनर्जी बढ़कर यू बी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो इस सिस्टम में स्टोर हुई उसको हम यू से ज़ाहिर करते हैं, और ये एनर्जी वर्क की उस मकदार के बराबर है जो चार्ज को पॉइंट ए से बी पर हरकत देने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया। चार्ज की मकदार हाफ कूलम भी हो सकती है, 3 कूलम या 10 कूलम भी हो सकती है, या क्यू की मकदार कुछ भी हो सकती है। बस पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज क्यू में स्टोर हुई उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इस मकसद के लिए हम एक चार्ज क्यू लेते हैं जो एग्जैक्टली 1 कूलम के बराबर है। हम इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क के ज़रिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हरकत देते हैं। चार्ज में एनर्जी स्टोर होगी। इस दफ़ा 1 कूलम चार्ज में जो एनर्जी स्टोर होगी उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से ज़ाहिर करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क की उस मकदार के बराबर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट पर कूलम चार्ज पर किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन 1 कूलम चार्ज में स्टोर होती है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फ़र्क है। इस मकसद के लिए हम एक चार्ज क्यू लेते हैं जो किसी भी मकदार का है। हम इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हरकत देते हैं तो इस चार्ज में जो एनर्जी स्टोर होगी उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब हम एक और चार्ज लेते हैं जो 1 कूलम के बराबर है। हम इस चार्ज को भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हरकत देते हैं और इस 1 कूलम चार्ज में जो एनर्जी स्टोर होगी उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क की उस मकदार के बराबर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी भी मकदार के चार्ज पर किया गया, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क की उस मकदार के बराबर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट 1 कूलम चार्ज पर किया गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट 1 जाउल है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जाउल पर कूलम है जो वोल्ट के बराबर है। बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की उस मकदार के बराबर है जो किसी भी मकदार के चार्ज में स्टोर होती है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पोटेंशियल एनर्जी है जो उस चार्ज में स्टोर होती है जो 1 कूलम के बराबर होता है। पास दो बीकर हैं जिनमें बराबर मकदार में पानी है और दोनों तह में एक पाइप के ज़रिए जुड़े हुए हैं। अगर आप दोनों बीकर का कुछ सेकंड तक मुशाहिदा करें तो क्या आपके ख्याल में पानी एक बीकर से दूसरे बीकर में फ़्लो करेगा? नहीं, क्योंकि दोनों बीकर में एक जितना पानी है तो दोनों बीकर में पानी का कोई फ़्लो नहीं होगा। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि किसी भी बीकर में पानी की मकदार तब्दील किए बग़ैर क्या आप एक बीकर से दूसरे बीकर में पानी का फ़्लो करवा सकते हैं? मेरे सवाल को दोबारा समझिए। आपने बीकर दो में से बीकर एक में पानी का फ़्लो करवाना है, लेकिन आपको किसी भी बीकर में पानी की मकदार तब्दील करने की इजाज़त नहीं है। आप किसी भी बीकर में पानी ऐड या रिमूव नहीं करवा सकते। आप इसे कैसे करेंगे? यह आसान है, बीकर टू की हाइट में इजाफा कर दें। ऊंचाई के बढ़ने से
पानी बीकर दो से बीकर वन में फ्लो करने लगेगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हाइट है। आप इसकी वजह ग्रेविटी या प्रेशर डिफरेंस भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हाइट डिफरेंस है जो बीकर टू से बीकर वन में फ्लो की वजह बना है। बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करती है। अगर आपके पास एक कॉपर वायर है तो आपके ख्याल में क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी? जाहिर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने की फ्लो करने की क्या वजह है? उसकी वजह पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ पोटेंशियल से क्या मुराद है? क्या कभी आपने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है? जी हाँ, हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना भी है और पढ़ा भी है। ये स्टोर्ड एनर्जी होती है जब एक जिस्म रेस्ट की हालत में होता है। जब आपके अपने हाथ में एक बॉल पकड़ते हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब आप उसे छोड़ देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती जाती है, यहाँ तक कि ज़मीन पर गिर जाती है। काइनेटिक एनर्जी जिससे किसी जिस्म के हरकत की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी है। इसी तरह हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पढ़ा। जिस तरह आपके हाथ में बॉल हाई पोटेंशियल एनर्जी रखती है, इसी तरह नेगेटिव चार्जेस के करीब एक नेगेटिव चार्ज की भी हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसे अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो ये कशिश की वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हरकत करेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बॉल ज़मीन की तरफ गिरते हुए हरकत करती है। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? ये दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस है या फ़र्क है। ये डिफरेंस सेल या बैटरी की वजह से पैदा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज के नाम से भी जाहिर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हरकत देने के लिए दरकार वक्त पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V किसके बराबर होगा? वर्क डन W ओवर चार्ज Q के। हम जानते हैं कि वर्क का यूनिट जाउल और चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम है। तो ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होगी? वो वोल्ट है, जो अल्जेंड्रा वोल्टा के नाम पर रखा गया है। तो हम वोल्ट की तारीफ कैसे करेंगे कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस एक वोल्ट होगा अगर एक कूलम चार्ज को हरकत देने के लिए एक जाउल वर्क दरकार हो। पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश वोल्ट मीटर से की जाती है, जो सर्किट में उन दो पॉइंट्स के दरमियान पैरेलल में लगाया जाता है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना हो। अब हम आपकी टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तारीफ क्या दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क की उस मिकदार के बराबर होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लामहदूद फासले से फील्ड के उस पॉइंट तक लाने में करना पड़ता है। तो वर्क एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फील्ड के अंदर हरकत देने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा हमें, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसको हम पैमाइश करते हैं इस फार्मूला से, V इज इक्वल टू W बाई Q। यहाँ पे V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, W वर्क है और Q जो है वो चार्ज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर मिकदार है और इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है। तो वोल्ट क्या होगा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर एक जाउल वर्क दरकार हो तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वोल्ट होगा। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस उस एनर्जी के बराबर होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फील्ड की सीमत में हरकत करते हुए मुंतकिल करता है। इस वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है? कैपेसिटर एक आला है जो चार्ज को स्टोर करता है। तो
एक कैपेसिटर बैटरी की तरह ही काम करता है क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं, लेकिन कैपेसिटर एक बहुत सादा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन पैदा और स्टोर कर सकती है। एक कैपेसिटर वो काम कर सकता है जो कि एक बैटरी नहीं कर सकती। जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में दौड़ती है। अगरचे कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है, लेकिन हकीकत में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहते हैं, जैसा कि यहाँ येलो पार्टिकल से जाहिर किया गया है। आप देख सकते हैं कि बैटरी इस मोटर को पावर देने में इतनी अच्छी नहीं है कि वो इस वेट को उठा सके, क्योंकि यह आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज हो जाती होती है। एक जैसे चार्ज कैपेसिटर की निस्बत यह आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होती है। यहाँ हम सीखते हैं कि एक कैपेसिटर एक ऐसे काम में बैटरी से क्यों कर बेहतर है। बैटरी की तरह कैपेसिटर के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। कैपेसिटर के अंदर टर्मिनल दो प्लेट से जुड़े होते हैं जिनके दरमियान एक इंसुलेटेड मटेरियल या हवा होती है जिसे डाईइलेक्ट्रिक कहते हैं, जो आपस में प्लेट्स को टच होने से रोकता है और उन्हें अपोजिट चार्जेस को होल्ड करने के काबिल बनाता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड कायम रहता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने और तेज़ी से डिस्चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। सर्किट क्लोज करने से हम कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन बैटरी से कैपेसिटर की तरफ फ्लो करते हैं, यहाँ ये स्टोर हो जाते हैं। यहाँ येलो रोशनी प्लेट्स पर बढ़ते हुए चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को जाहिर कर रही है। नेगेटिव प्लेट पे इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है, जबकि पॉजिटिव प्लेट में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ सुर्ख प्लेट पॉजिटिव चार्ज को जाहिर कर रही है। कैपेसिटर उस वक्त तक चार्ज होता रहता है जब तक वह बैटरी के वोल्टेज के बराबर वोल्टेज हासिल नहीं कर लेता। अब कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर चार्ज हो चुका है तो हम इसकी स्टोरेज एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे। कैपेसिटर को मोटर के साथ सर्किट में जोड़ें, यह इलेक्ट्रिक करंट मोटर को इतनी पावर देगा कि ये वेट को उठा सकेगी और यहाँ तक कि कैपेसिटर पर चार्ज ख़त्म हो जाएगा। कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहते हैं और मोटर में से गुजरते हैं। इसे दोबारा देखें। अगरचे बैटरी और कैपेसिटर इस काम को एक जितने चार्ज से करते हैं, लेकिन सिर्फ कैपेसिटर मोटर को कामयाबी से इसलिए चला पाता है क्योंकि ये बैटरी के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से डिस्चार्ज होता है, और यह खसूसियत कैपेसिटर को उन चीज़ों को चलाने के काबिल बनाती है जिनको ज़्यादा तेज़ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसा कि फ्लैश बल्ब, कैमरा, स्टार्टर, मोटर और कार के ऑडियो एम्पलीफायर्स वगैरह। अब हम कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस के यूनिट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक कैपेसिटर लेते हैं और उसे एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से जोड़ देते हैं। फ़र्ज़ करें कि कैपेसिटर पर एक कूलम चार्ज स्टोर होता है। अब अगर हम एक वोल्ट बैटरी को दो वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी से रिप्लेस कर दें तो हम देखेंगे कि प्लेट्स में स्टोर चार्ज में इजाफा हो जाएगा। फ़र्ज़ करें इस दफ़ा दो कूलम चार्ज स्टोर हुआ है, तो इससे पता चलता है कि वोल्टेज बढ़ाने से प्लेट्स पर स्टोर चार्ज की मकदार में भी इजाफा हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि प्लेट्स पर चार्ज की मकदार अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम इसको इक्वलिटी साइन में ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू बराबर है सी वी के। यहाँ पर क्यू चार्ज की मकदार है, सी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी कहते हैं। इससे मुराद कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की सलाहियत है। कैपेसिटेंस से मुराद हरगिज़ ये नहीं कि कैपेसिटर की प्लेट पर टोटल कितना चार्ज स्टोर होता है, बल्कि कैपेसिटेंस से मुराद एक वोल्ट में चार्ज की मकदार है, यानी कि चार्ज की मकदार पर वन वोल्ट। अब हम यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस को डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम एक कैपेसिटर लेते हैं और उसको एक वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। फ़र्ज़ करें इसमें स्टोर चार्ज की मकदार वन कूलम है, तो हम इन वैल्यूज़ को कैपेसिटेंस के फार्मूला सी बराबर है क्यू बटा वी में पुट करेंगे, यानी क्यू जो है वन कूलम और वी वन वोल्ट।
तो कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 कूलम पर 1 वोल्ट है, जिसे 1 फेराड भी कहते हैं, यानी कि 1 फेराड बराबर है 1 कूलम पर 1 वोल्ट के। इसी तरह अगर इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 10 फेराड हो, तो इससे मुराद ये होगा कि 1 वोल्ट में 10 कूलम चार्ज स्टोर होता है। अब हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को टेक्स्ट बुक से स्टडी करते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज को स्टोर करने वाला आला, करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। ये 2 पैरेलल पतली धातु प्लेटों पर मुश्तमिल होता है और उनके दरमियान फासला बहुत कम होता है, और इन प्लेटों के दरमियान किसी इंसुलेटर की शीट या हवा होती है, जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ये 2 प्लेटें दिखाई गई हैं शक्ल में, हमने पढ़ा भी है पहले। तो जब कैपेसिटर की प्लेट पर स्टोर शुदा चार्ज जो है क्यू, और उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो वी जो है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी क्यू वोल्टेज के बढ़ने से चार्ज जो है, चार्ज की मिकदार भी बढ़ जाती है। तो क्यू बराबर होगा सी वी के। सी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहते हैं। और इसकी तारीफ क्या करेंगे हम? किसी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत जो है वो कैपेसिटेंस कहलाती है। तो यहाँ से सी जो है वो बराबर हो जाएगा वी से जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसको हम सी बराबर हो जाएगा क्यू बाई वी के। कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट जो है वो फेराड है। फेराड की तारीफ क्या करेंगे हम? अगर कैपेसिटर की प्लेट को 1 कूलम चार्ज देने पर उसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 1 फेराड होगी, यानी चार्ज की मिकदार जो है वो 1 वोल्ट में चार्ज की मिकदार जो है वो 1 फेराड होती है। फेराड जो है वो एक बड़ा यूनिट है, तो हम छोटे यूनिट जो है माइक्रो फेराड, नैनो फेराड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर को सर्किट में जोड़ने के 2 तरीके हैं, कैपेसिटर का सीरीज़ कम्बिनेशन और कैपेसिटर का पैरेलल कम्बिनेशन। सबसे पहले हम कैपेसिटर के सीरीज़ कम्बिनेशन को देखते हैं। कैपेसिटर के सीरीज़ कम्बिनेशन में फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटेंस बिलतरतीब C1, C2 और C3 है। इनको सर्किट में सीरीज तरीक़े से जोड़ा गया है। सीरीज तरीक़ा में हर कैपेसिटर की दाई प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की बाई प्लेट से जोड़ा जाता है। फ़र्ज़ करें V जो है वो बैटरी का वोल्टेज है। सीरीज़ कैपेसिटर में हर कैपेसिटर के अगेंस्ट चार्ज जो है कैपेसिटर पर वो क्यू चार्ज स्टोर होगा, यानी कि तमाम कैपेसिटर पर एक जैसा चार्ज स्टोर होगा। C1 पर भी क्यू चार्ज स्टोर, फर्ज करें क्यू चार्ज स्टोर होता है, C2 पर भी क्यू चार्ज, और C3 पर भी क्यू चार्ज स्टोर होता है। लेकिन तमाम कैपेसिटर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मुख्तलिफ होगा। फ़र्ज करें V1, V2 और V3 पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो C1, C2 और C3 के अक्रॉस है बिलतरतीब। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है तमाम कैपेसिटर के अक्रॉस V1 हो जाएगा Q/C1, V2 हो जाएगा Q/C2 और V3 हो जाएगा Q/C3। यहाँ पर क्यू जो है इस हर कैपेसिटर पर चार्ज है जो एक जैसा है, जबकि C1, C2, C3 इनकी कैपेसिटेंस है, और V1, V2 और V3 इनके अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी तरह अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर दर्ज कर दें तो V बराबर आ जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 के, और यहाँ पे Q जो है वो कॉमन है। अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा Q=1/C1 + 1/C2 + 1/C3।
सी थ्री के। अगर सी एस जो है वो इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो सीरीज़ कम्बिनेशन की, तो और इस पर भी टोटल चार्ज जो है वो क्यू स्टोर होगा, और वी जो होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम क्या कहेंगे कि वी जो है वो क्यू बाई सी एस के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये टोटल वोल्टेज हो गया, बैटरी का टोटल वोल्टेज जो है वो क्यू बाई सी एस के बराबर हो गया, और क्यू एस क्यू बाई सी एस बराबर हो जाएगा क्यू ओवर सी वन प्लस क्यू ओवर सी टू प्लस क्यू ओवर सी थ्री के। यहाँ से क्यू कॉमन है, ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो जाते हैं, तो वन ओवर सी एस आ जाएगा इज इक्वल टू वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू प्लस वन ओवर सी थ्री के। इससे साबित होता है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल है वो बराबर होता है तो वहाँ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के। जब कैपेसिटर को सीरीज तरीके से जोड़ा जाता है तो कैपेसिटेंस जो है वो टोटल कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाती है। तो कैपेसिटेंस को अगर आप कम करना चाहते हैं सर्किट में तो आप कैपेसिटर को सीरीज तरीका में जोड़ेंगे। अब हम कैपेसिटर्स के सीरीज तरीका को टेक्स्ट बुक से स्टडी करते हैं। तो इस तरीका में एक कैपेसिटर की दाएं प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की बाएं प्लेट से जोड़ा जाता है, और सीरीज तरीका में हर कैपेसिटर पर चार्ज की मिकदार जो है वो एक जैसी होती है, जबकि हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी मिकदार जो है वो मुख्तलिफ होती है, यानी कि चार्ज की मिकदार क्यू होगी, यानी क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री जो है वो हम उसको क्यू ही कहेंगे, और तो बैटरी का वोल्टेज तमाम कैपेसिटर के वोल्टेज के मजमूए के बराबर होगा, वी बराबर हो जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री के। यहाँ पर वी वन जो है वो क्यू बाई सी वन है, वी टू जो है वो क्यू बाई सी टू, और वी थ्री जो है वो क्यू बाई सी थ्री है। तो यहाँ से अगर हम क्यू कॉमन ले लें तो वी बराबर आ जाएगा क्यू इंटू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री के, और बैटरी का जो वोल्टेज है यहाँ से वी क्यू जो है इधर आके डिवाइड अगर कर लें हम तो वी बाई क्यू इज इक्वल टू वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू प्लस वन ओवर सी थ्री के। तो सीरीज तरीका में से जोड़े गए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को एक मुसावी कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट से जाहिर किया जाता है। यहाँ पर वी ओवर क्यू वन ओवर सी इक्विवेलेंट हो जाएगी, और ये बराबर हो जाएगी वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू प्लस वन ओवर सी थ्री के। और अगर कैपेसिटर एन कैपेसिटर जो है वो सीरीज तरीके से जोड़े गए हों तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है तमाम कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के मजमूए के बराबर होगी। इसी तरह हम कैपेसिटर को जोड़ने के पैरेलल तरीका को बुक से ही स्टडी करते हैं। इस तरीका में हर कैपेसिटर की बाएं प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और जबकि हर कैपेसिटर की दाएं प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इस तरीके में हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक जैसा होता है, यानी कि पैरेलल तरीके में कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ा जाए तो हर कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। यहाँ पर भी वी होगा, सी वन का वोल्टेज भी वी होगा, सी टू का वोल्टेज भी वी होगा, और सी थ्री का वोल्टेज भी वी होगा, यानी कि वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी थ्री, इसको हम कह देते हैं कि ये वी है। और हर प्लेट पर चार्ज की मिकदार जो है वो मुख्तलिफ होगी, तो पैरेलल जोड़ में तमाम कैपेसिटर्स पर चार्ज की मिकदार वो डिफरेंट होगी, यानी कि यहाँ पर सी वन पर क्यू वन चार्ज स्टोर होगा, क्यू सी टू पर फ़र्ज़ करें क्यू टू, और सी थ्री पर फ़र्ज़ किया हमने क्यू थ्री चार्ज स्टोर होता है, और तमाम
चार्ज का मजमूआ जो है वो बैटरी के कुल चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो बैटरी का कुल मुहैया करदा चार्ज क्यू हर कैपेसिटर पर मौजूद चार्ज के मजमूआ के बराबर होगा। क्यू बराबर हो गया क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री के। हमें पता है कि क्यू बराबर होता है सी वी के, तो यहाँ पर क्यू वन बराबर हो जाएगा सी वन वी, क्यू टू बराबर हो जाएगा सी टू वी और क्यू थ्री बराबर हो जाएगा सी थ्री वी के। यहाँ से अगर हम वी कॉमन ले लें तो वी इंटू सी वन प्लस सी टू प्लस थ्री सी थ्री, और वी अगर इधर हम ताकि मैं डिवाइड कर लूँ तो क्यू बाई वी हो गया इजिकल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। अगर हम कैपेसिटर के पैरेलल जोड़कर सर्किट के एक मुसावी कैपेसिटर से तब्दील कर दें, इसकी मुसावी कैपेसिटर जो है वो सी इक्वलेंट हम फर्ज कर लेते हैं, तो ये सी इक्वलेंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री के। और अगर पैरेलल सर्किट में एन कैपेसिटर जो हैं वो लगा दिए जाएँ तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस जो है वो तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के मजमूए के बराबर होगी। अब हम कैपेसिटर के इस्तेमालात के बारे में पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर्स जो हैं तमाम जो हैं वो सर्किट बोर्ड्स जैसे कि कंप्यूटर हो गया, तमाम इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सर्किट बोर्ड में जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये तमाम जो हैं ये कैपेसिटर्स हैं। इसके अलावा पंखे हैं जो आपके हैं, मोटर्स, पंखे, वॉशिंग मशीन, तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं इनमें जो है कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। पंखे में भी आपने इस जगह देखा होगा इस टाइप का या दूसरी शेप के जो हैं वो कैपेसिटर जो है लगाए जाते हैं। ये कैपेसिटर क्या करते हैं, ऐसे कि मोटर्स में भी ये जो जगह होती है यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो नसब होता है। ये कैपेसिटर क्या करते हैं, जब इसको मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसको धक्का देता है, धक्का मतलब तेज़ी से उसको स्टार्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये मिसाल लेंगे, जैसे एक गाड़ी को आप स्टार्ट करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम तो उसको धक्का देकर स्टार्ट करेंगे, अगर वो स्टार्ट नहीं हो रही तो उसको धक्का देंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए हम सेल्फ स्टार्ट का जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो धक्का देने से स्टार्ट होगी। इसीलिए इस अगर कैपेसिटर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ये कैपेसिटर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा तो मोटर को या पंखे को हल्का सा धक्का देना पड़ेगा तब वो चलेगा। तो इस तरीके से कैपेसिटर जो है मोटर में और पंखों वगैरह में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कैपेसिटर जो है वो रेडियोज़ वगैरह में ट्यूनिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि चैनल आप जो स्टेशन जो है वो ट्यून करते हैं। इसके अलावा पावर सप्लाईज में भी जो है वो अगर आप सर्किट खोल के देखें इसका तो यहाँ पे जो है ये सर्किट बोर्ड में इसका इस्तेमाल होता है। आखिर में हम कैपेसिटर्स का इस्तेमाल देखते हैं कहाँ पे होता है, तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैपेसिटर जो है तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि ट्रांसमीटर्स, रिसीवर, रेडियो ट्यूनिंग में इस्तेमाल होते हैं। और कैपेसिटर का इस्तेमाल जो है वो बहुत सी चीज़ों में भी होता है, जैसे कि टेबल फ़ैन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितनी भी हैं, सीलिंग फ़ैन, एग्जॉस्ट फैंस, एयर कंडीशन, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन और बहुत सी घरेलू चीज़ जो हैं चीज़ों में कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कैपेसिटर जो हैं वो कंप्यूटर्स के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और कैपेसिटर को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में के दरमियान फ़र्क करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये चंद एक जो इस्तेमालात हैं कैपेसिटर के, ये देख लें आप, और इस तरह ये चैप्टर जो है आपकी थ्योरी ख़त्म हो गई। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे।